जय हिंद साथियों, मैं राज आपके YouTube चैनल एग्जाम विद्यालय में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश TGT PGT परीक्षा के बारे में, जो कि एक बड़ा बड़े निर्देश निकल कर आया है। क्या आवेदन कब से हैं पूरी जानकारी इस वीडियो में, इसलिए वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। जो पहली बार हमारे चैनल से जुड़े हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें, क्योंकि यहाँ से आपको अपडेट मिलती रहती है। क्लासेज वगैरह भी आपके चालू हो चुकी हैं, कोई किसी भी प्रकार की जैसे ही आने वाले समय में जैसे ही आपकी व्यवस्था होती है, अन्य आपको क्लास मिलती रहेंगी, मॉक टेस्ट मिलेंगे आपको, हर प्रकार से आपको इस सुविधा मिलती रही है। देखिए, जितना हम कर सकते हैं आपके लिए वो करेंगे। आने वाले समय में आपको और अच्छी सुविधा देंगे, जिससे कि आपको परीक्षा को उत्तीर्ण करने में अधिक से अधिक फायदा मिले, लाभ मिले। ठीक है, तो वीडियो आप अंत तक देखिए। या जो TGT PGT संबंधित परीक्षा से संबंधित हमारे जो कैंडिडेट हैं, हमारे जो अभ्यर्थी हैं, वो इस वीडियो का अंत तक जरूर देखिए। जो पहली बार हमें चैनल पर आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को। तो हम आपको बता दें, देखिएगा, आज बात करेंगे उत्तर प्रदेश TGT PGT के बारे में, आवेदन कब से हैं। तो एक नोटिफिकेशन आपके आपको दिख रहा होगा, नोटिफिकेशन आपकी स्क्रीन पर आया गया। TGT PGT का नया विज्ञापन इसी माह, विज्ञापन आप देख सकते हैं, प्रदेश के अशासकीय विद्यालयों में ट्रेड ग्रेजुएशन टीचर, जिसको हम बोलते हैं TGT, और पोस्ट ग्रेजुएशन टीचर PGT के पदों पर भर्ती के लिए नया आवेदन इसी माह जारी होगा। मतलब इसी माह फरवरी माह में आपके अंत तक जारी हो जाएगा। अंत तक फरवरी माह में आपका जारी हो चुका हो गया। शुक्रवार को माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में ज्ञापन देने पहुँचे प्रतियोगी परीक्षा जो छात्रों के 7 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल को बोर्ड के अध्यक्ष वीरेश कुमार ने यह आश्वासन दिया है। छात्रों ने भर्ती में तदर्थ शिक्षकों को 35 की जगह 20 अंक तक का भी भार अंक दिए जाने की मांग की थी, ठीक है, भी की है। इस पर अध्यक्ष ने आश्वासन दिया है कि बोर्ड के समक्ष यह बिंदु विचार के लिए रखा जाएगा। प्रतियोगी मोर्चा के बैनर तले विक्की खान के नेतृत्व में छात्रों ने शुक्रवार को चयन बोर्ड के बाहर धरना दिया। तकरीबन 1 घंटे बाद 7 सदस्यीय प्रतिनिधित्व मंडल की चयन बोर्ड के अध्यक्ष ने मुलाकात की कराई गई। देखो, हम आपको बताएं तो देखिएगा, जो आपने धरना दिया था 35 की जगह 20 अंक के लिए भार अंक जो आपके लिए होना चाहिए, उसके लिए 1 घंटे का जो आपने जो धरना दिया, उसका ये इसके लिए ये मीटिंग रखी जाएगी, उसके लिए सोचा जाएगा। लेकिन जो उन्होंने आश्वासन दिया है सदस्यों को, ये जिन्होंने छात्रों को आश्वासन दिया है, कि आश्वासन ये दिया है कि 7 सदस्यों की जो प्रतिनिधिमंडल बोर्ड ने अध्यक्ष कौन है, वीरेश कुमार जी ने आश्वासन दिया है कि इस मंथ के अंत तक, इस महीने के अंत तक आपको जो TGT PGT का नया विज्ञापन आपको ऑफिशियल वेबसाइट जैसे sarkarivl.com हो या ऑफिशियल जो उत्तर प्रदेश की साइट है, वहां पर आप जाकर देख सकते हैं। और देखिएगा, जैसे भी कोई नोटिफिकेशन आने वाले समय में जैसे भी आता है, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। अब एग्ज़ाम विद्यालय जो आपका चैनल है, इसको सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें। जैसे ही नोटिफिकेशन आता है, हम इसी चैनल पर आपको इसकी इन्फॉर्मेशन जानकारी दे देंगे। तो देखिएगा, किसी भी प्रकार का कोई भी मन में शंका बात आपके आ रहा हो, किसी प्रकार का प्रश्न आ रहा हो, कोई भी डाउट रह गया हो, तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।